बेड से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्या हमें बेड देना चाहिए 100 परसेंट देना चाहिए और कैसे देना चाहिए ताकि वो फाड़े नहीं आप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया आप इसे करके देखिएगा ये मैंने 25 साल में जो सीखा है वो बताया हेलो एवरी वन एम योर फ्रेंड यू होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फर एवर डियर फ्रेंड्स मैं पिछले पच्चीस साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बेहेवरिस्ट हूँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ मैंने बात करने आया हूँ आपको बताने आया हूँ अपना एक्सपीरियंस और आपको बताने आया हूँ कि डॉग्स को बेड चाहिए या नहीं इस सब की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कब होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लगता है कि गर्मियों में हमारे डॉग्स को बेड नहीं चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता डॉग को बेड हमेशा हर सीजन में चाहिए होता है हैबिट बनाने की बात है बहुत बारी लोग बोलते हैं हम बहुत महंगा बेड लेके आए थे अपने डॉग के लेकिन हमारे जो डॉग है उसने उसे फाड़ दिया पूरे पॉइंट स्टेप वाइज क्लियर करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो जो आपका डॉग है मेरी बात यकीन कीजिएगा आपका जो डॉग अपने बेड से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा बिकॉज ये अपनी बिलोंगिंग से बहुत प्यार करते हैं जैसे खाने का बर्तन हेयर ब्रश कॉलर बेल्ट परफ्यूम एवरीथिंग वो हर चीज से प्यार करते हैं और जो सबसे ज्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे वो अपने बेड के ऊपर सोना पसंद करते हैं लेकिन उनकी हैबिट कैसे बनानी है आज मैं हैबिट बनाने की बात करूंगा डॉग बेड को क्यों फाड़ देता है उसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको स्टार्ट करते हैं जब हम डॉग लेके आते हैं तो हमें डॉग को बेड के ऊपर डेफिनेटली रखना चाहिए उसको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए उसकी शुरू से हैबिट होनी चाहिए उसको पता होना चाहिए कि बेड की वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं अक्सर डॉग के आगे बेड रख देते हैं डॉग को उठा के बेड के ऊपर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं डॉग जब फ्री टाइम में होता है तो वो उसको फाड़ना शुरू हो जाता है उसको लगता है शायद ये खेलने के लिए आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उसके खेलने के लिए नहीं है उसके फाड़ने के लिए नहीं है वो टॉय भी समझ सकता है बेड को शायद वो इसीलिए फाड़ देता है और जो आपका बेड है जिसके ऊपर आप सोते हैं अपने डॉग को भी अपने साथ में लेके सोते हैं वो आपकी कभी ब्लैंकेट को नहीं फाड़ता कभी आपकी बेडिंग को आपके पिल्लोज को नहीं फाड़ता कभी सोच के देखिएगा क्यों नहीं फाड़ता बिकॉज उसको लगता है ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस वो जो जगह है वो उसकी अपनी है उसको लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ कोर्स जैसे लेकिन हमारे छोटे बच्चों को हम अलग बेडिंग प्रोवाइड करते हैं वैसे ही अपने डॉग को बेशक अपने रूम में बेशक लॉबी में जहां भी आप चाहते हैं कंफर्टेबल सी जगह पे आप उसे बेडिंग प्रोवाइड कीजिए बहुत सारे अलग अलग बेड्स आते हैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जब हम डॉग को बेड प्रोवाइड करते हैं तो हमें बेड बेड के साथ में दो या तीन स्नैक्स और अलग अलग फ्लेवर के और दो तीन टॉयज़ जरूर प्रोवाइड करने चाहिए जो उसकी चॉइस के हों स्पेशली उसकी चॉइस की सो so दैट उसको कंफर्टेबल लगे उसको लगे कि ये उसके शायद खेलने की जगह है उसके बैठने की जगह है और जब हमने वहाँ से उठना है जब हमने उसे उठना है वहाँ से हमारा डॉग अगर स्नैक्स खा रहा है अपना है कुछ भी तो हमें पेशेंस रखनी है उसे फिनिश करने देना है जब हम वहाँ से उठते हैं तो उसका डॉग का जो बेड है उसको वहाँ से हटा लीजिए उसको उठा के उसकी रीच से दूर कर दीजिए आधा घंटा उसे आपने बेड दे दिया उसके बाद में आपने उसकी रीच से उसे दूर कर दिया दो तीन घंटे बाद आप दोबारा रूम में आते हैं आप दोबारा चाहे टीवी देखना है सीरियल मूवी या कुछ भी मोबाइल भी यूज करना आप दोबारा डॉग को बेड दे दीजिए एक स्नैक्स दे दीजिए एक दो टॉयज दे दीजिए उसके ऊपर बिठा दीजिए ही स्टार्ट इंजॉइंग दैट बिकॉज सॉफ्ट जगह पे बैठना सोफा जैसी जगह पे बैठना हर किसी को अच्छा लगता है सॉफ्ट बेडिंग पे बैठना लेकिन हमें उसे सिखाना है जैसे ही वो टीयर करने लगे जैसे ही वो दांत लगाने लगता है बेड को उसको कमांड दीजिए नो गंदी बात रिक्वेस्ट नहीं करना है नो मेरा बच्चा ऐसे नहीं करना ये फट जाएगा अगर ऐसे ऐसा आप करेंगे तो डॉग बोलेगा मम्मा का या पापा का मान है फाड़ दो कोई दिक्कत नहीं है बिलीव मी इस चीज को आप ट्राई करके देखिए आपको 100 परसेंट रिजल्ट आएगा बेड दीजिए थोड़ी देर बाद हटा लीजिए दोबारा दोपहर को फिर दे दीजिए रात को फिर दे दीजिए थोड़ी देर के लिए लेकिन मेक श्योर sure, कम से कम चार से पांच दिन आप अपनी ऑब्जर्वेशन में उसे दीजिए उसके बाद में गैप बढ़ाना शुरू कर दीजिए जैसे हम पहले थर्टी मिनट्स के लिए दे रहे थे उसे एक घंटे के लिए दे दीजिए अपना काम करने दूसरे रूम में चले जाइए वापस आके क्रॉस चेक कीजिए वो बेड को तो नहीं फाड़ा उसको हैबिट बनानी है जो छोटा बच्चा है उसे तो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैबिट बना सकते हैं लेकिन मैं बात, है। है। जब, है मैं बात कर रहा हूं अगर वो पाँच महीने का छह महीने का एक साल का डॉग है या उससे ज्यादा का साइज के अकॉर्डिंगली बेड आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं जब अब जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ इस बेड की ये वॉशेबल बेड है बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा बेड है जैसे हमारे अपने प्लस सोफाज आते हैं उस तरह का है बहुत अच्छी फीलिंग है उसको ठंड नहीं लगेगी इसमें गर्मियों में भी वो इस पर बैठना चाहे तो बैठ सकता है उसको गर्मी भी नहीं लगेगी बिकॉज सोफ़ा जैसा स्टफ है अब जैसे अगर मैं शिजु ब्रीड की बात करूँ तो वो इसके ऊपर सफिशेंट कम्फर्टेबली बैठ सकता है एक तो ये आ गया डोनट बेड बोलते हैं इसको ये डोनट टाइप बेड है जिसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी उतने ऊँचे जितने बीच की बेडिंग है बहुत सॉफ्ट है इसकी जो मेट्रसेज है अब एक और ऑप्शन दिखाता हूँ जैसे ये है दिस वन इज स्पेशली डिजाइन फॉर कैट्स एंड स्मॉल टॉय breeds. जैसे अगर आपके पास में टॉयपॉर्म है या आपके पास में छोटा शिजू है आप उसके लिए यूज कर सकते हैं बता रहा था इस बेड की अगर मैंने इसके बीच से ये पिल्लो निकाल लिया तो हम इसको यहाँ से डाउन कर सकते हैं राइट हम इसको आराम से बेड की फॉर्म में भी बना सकते हैं तो आप ये देखिए इतनी बड़ी बास्केट जैसी बन गई राइट और इसके ऊपर हम इसका ये पिल्लो रख सकते हैं अगर पिल्लो रखेंगे तो भी डॉग कंफर्टेबल है या टॉय ब्रीड कंफर्टेबल है या कैट कंफर्टेबल है और अदरवाइज भी ये बहुत अच्छा है सॉफ्ट है अंदर से बिल्कुल बैठने के लिए उनके कंफर्टेबल रहता है ये छोटी ब्रीड की बात ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको राइट इसी में जैसे ये रेड कलर आ गया ग्रीन आ गया ये बहुत सुंदर से है बहुत मजा आता है इस पर डॉग अंदर घुस के बैठना पसंद करता है जैसे शिज्जू हो गया टॉय टॉयपॉम हो गया लहासैप्स हो गया बीगल का छोटा बेबी हो गया उस तरह की ब्रीड्स फिर अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग साइज आते हैं सभी बेड्स में इसके थ्री साइज हैं ये एक आ गया साइज ये मीडियम साइज आ गया ये बीगल जैसी ब्रीड या मीडियम साइज के चौचा वगैरह जो ब्रीड है उनके लिए अच्छा है जो सबसे बड़ा है अगेन ये चौचाओ के लिए शेफर्ड या लैब वगैरह के लिए बहुत अच्छा कंफर्टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखनी है कि हमारा जो बेड है क्या हम उसे क्लीन कर सकते हैं डेफिनेटली हम इसे कर सकते हैं क्लीन जो बाल झड़ते हैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भैया हमारे डॉग के जो बाल हैं वो बेड पे लग जाते हैं फिर हम उसे साल जब वो सीजन खत्म हो जाता है तभी धोते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए डेली ऐसा सा एक हेयर रिमूवर रखिए उसको क्लीन कीजिए देखिए कलर टोटल शेड चेंज हो जा रहा है जब मैं इसके ऊपर कर रहा हूं पूरे के पूरे हेयर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे आपको बार बार धोने की जरूरत नहीं है उसके अलावा जब धोना हो तो ये वॉशेबल बेड्स हैं जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल दीज बेड्स आर वॉशेबल जैसे ये मैंने बता दिया आपको सोफा टाइप बेड अगेन ये भी सोफ़ा टाइप बेड है लेकिन जो इसका मटेरियल है ये थोड़ा डिफरेंट आ गया थोड़ा सा आ, है बहुत अच्छा है सॉफ्ट है बेड लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये कि आप अगर गीला करके कपड़ा इसके ऊपर रब करेंगे तो भी क्लीन हो जाएगा पैठे रिमूवर से भी क्लीन हो जाएगा और इसमें तीन साइज आते हैं एक ये साइज़ है एक ये मीडियम साइज़ है एक इससे और बड़ा साइज़ है जो मीडियम साइज है इस बेड में ये तकरीबन एक या गोल्डन रिट्रीवर के लिए है लेकिन अगर आप और बड़ा लेना चाहते हैं बेड तो वो जो बेड है सबसे बड़ा साइज वो रॉटवेलर के लिए या या सेन जैसी ब्रीड के लिए भी सफिशियंट है उसको डबल साइज बोलते हैं अब एक और ऑप्शन दिखाता हूं ये राउंड बेड है हमें सोचना है कि हमें स्क्वेयर बेड चाहिए क्या हमें रेक्टेंगुलर चाहिए या राउंड चाहिए बास्केट टाइप चाहिए अब जैसे ये जो बेड है अगेन ये इसका जो पिल्लो है ये अलग हो जाता है इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका पिल्लो अलग हो जाता है बीच में जिपर है आप जिप खोल के इसको सारे के सारे गुलाब को अलग से धो सकते हैं और ये जो ए, आ, इसे भी अगेन वॉशेबल है इसमें भी जिप लगी हुई है जो इसमें स्टफिंग है वो आप निकाल के दोबारा वॉश करके बीच में रख सकते हैं बहुत अच्छी ऑप्शन है अगेन एक और एक और टाइप है आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये दीज आर फ्लैट बेड्स बेसिकली बहुत अच्छी ऑप्शन है ये भी ज़्यादा हाइट नहीं रहती इसकी बड़े uh, डॉग्स के लिए भी है मीडियम के लिए स्मॉल के लिए सभी के लिए जैसे मैं बता रहा था आपको ये फ्लैट बेड है और इसमें बहुत सारी कलर ऑप्शन आती हैं कलर कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे ये ब्लैक में ये आ गया साथ में बहुत सारे सारी ऑप्शन दिए uh, मैं डिटेल दे रहा हूँ आपको ये जो बेड है इसको क्लीन करना मेंटेन करना बहुत इजी है और ये रिवर्सिबल है जैसे इसके बैक साइड में बहुत अच्छा सा मटेरियल लगा हुआ है बिल्कुल भी गंदा इजीली नहीं होगा और ड्यूरेबल है बहुत अच्छा सभी बेड इस बहुत ड्यूरेबल है इसका प्लस पॉइंट ये है अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अब हम इसे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो हम इसे आराम से फोल्ड करेंगे और ये इतना सा हो गया आप इस पर दो रबर डालेंगे एक यहाँ डाल दीजिए एक यहाँ डाल दीजिए इसमें बड़े साइज में भी ऐसे ही रोल हो जाएगा और जब खोलेंगे तो वो ईजीली पूरा स्ट्रेट फिर से हो जाएगा बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस समय मुझे ये जो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मेरे सिटी में इतनी सारी ऑप्शन नहीं थी बेड्स की या कुछ भी बट अब मैं वेबसाइट लेके आया हूँ आप सब की डिमांड पे वेबसाइट लेके आया हूँ और जितने बेड्स मैं दिखा रहा हूँ इनकी सार, इन सब बेड्स की फोटोग्राफ्स अलोंग विद साइज एंड विद डिटेल्स कलर ऑप्शन सारा सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए कि आप अपने फर बेबी की जो लाइफ है उसे और अच्छा बनाइए और बेहतर बनाइए जो बेड्स की रिक्वायरमेंट है हर सीजन में रहती है मैं रिपीट कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर्स में बट स्पेशली अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो हमारे पेट को विंटर में ठंड लगती है फर्श से ठंड चढ़ती है बहुत बारी मैंने लोगों को देखा है वो बेड जो है वो रखते हैं या ब्लैंकेट वगैरह रखते हैं बट कई बार होता है डॉग उसको फाड़ देता है कुछ भी कर देता है दुख होता है ऑफ़कोर्स हर किसी के पैसे लगे और पैसे बहुत मेहनत से आते हैं जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन की हैं जैसे एक और एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस बेड की देखिए बहुत स्पेशल बेड है इसका ये देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ ये भी मैं बेड के ऑप्शन दे रहा हूँ इसका ये जिपर है इसमें से जो पिल्लो है वो अलग हो जाएगा ये पिल्लो अलग हो जाएगा और इसको आप आराम से इसके गुलाब को धो सकते हैं वॉश कर सकते हैं चाहे मशीन या जैसे भी और इस बेड के अंदर जो है अगेन ज़िप लगी है ये देखिए ये ज़िप लगी हुई है इसको सारे को पूरे का पूरा जो ये गुलाब है ये उतर जाएगा जो पिल्लोज हैं वो अलग हो जाएंगे और इसमें दो साइज़ आते हैं दिस इज़ मीडियम साइज़ एंड दीज आर लार्ज साइज़ जो लार्ज साइज है लेब्रेडर रिट्रीवर शेफर्ड रॉट जैसी ब्रीड के लिए सफिशेंट है गोल्डन रिट्रीवर जैसी ब्रीड के लिए सफिशेंट है बहुत सारी ऑप्शन हैं और भी एक चीज दिखाता हूँ आपको आपको बता रहा था एक और बहुत स्पेशल चीज दिस इज हट फॉर डॉग और ये जो हट है ये लार्ज साइज की मैं आपको बता रहा हूं ये स्मॉल ब्रीड के लिए जैसे पग हो गया बीगल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं शिजु हो गया टॉय पॉम वगैरह हो गए इस तरह की जितनी भी स्पिट्स वगैरह ब्रीड है उन सब के लिए बहुत कंफर्टेबल रहे और ये अगेन क्लीन हो जाता है वॉशेबल है इसके जिप होती है जैसे मैंने आपको बताया रूफ अलग हो जाएगी बेस और बाकी जो मटेरियल है वो अलग हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉग बहुत पसंद करते हैं अपने बेड्स को एक चीज़ को समझिएगा हम अपने फर बेबीज़ को मैं बात कर रहा हूं पेट लवर्स की जो पेट लवर्स है मैक्सिमम अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं हम अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है हम अपने पेट्स को देने की कोशिश करते हैं ये जो सारी की सारी रेंज मैं लेके आया हूं बेड्स की ये इसलिए लेके आया हूं ताकि उनको हम अच्छा फील करवाएँ और जब हमारे पेट खुश होंगे उनको ठंड नहीं लगेगी वो बीमार नहीं होंगे हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पेट ने खुद डॉक्टर के पास नहीं चले जाना ऑफकोर्स ऑनर को लेके जाना पड़ेगा और समटाइम्स आपके पास टाइम होता है और समटाइम्स वो नहीं होगा कई बार वेट अवेलेबल नहीं होता मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी डॉग बीमार पड़े विंटर्स आ रहे हैं स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू ऑल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम आप आके अपनी चॉइस का बेड परचेज कर सकते हैं ये जो वीडियो बनाया एक्सप्लेन किया सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी बेड से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्या हमें बेड देना चाहिए हंड्रेड परसेंट देना चाहिए और कैसे देना चाहिए ताकि वो फाड़े नहीं आप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया आप इसे करके देखिएगा ये मैंने पच्चीस साल में जो सीखा है वो बताया आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो को आप मिस ना करें साइन दिया करेंगे मुझ पे आप पे हमारे पेट्स पे फर बेबीज पे सारी दुनिया पे लव यू ऑल थैंक यू